ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 19 सितंबर 2019 गुरुवार का दिन है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, यानी पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष की पंचमी तिथि है। भरणी नामक नक्षत्र मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशा शूल की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में रहेंगे, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो जीरा खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, मंगल ग्रह सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ कर्क सिंह कन्या वृश्चिक और धनु ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए अति उत्तम साबित होगा। इनको आर्थिक रूप से अच्छा फायदा हो सकता है, कोई नई सौगात भी इनको प्राप्त हो सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सफलता का योग बन रहा है और नए संबंधों में गति आएगी। दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा, सभी को साथ लेकर चलने में आप सफल हो जाएंगे। बिजनेस में फायदा और नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी और लेन देन के मामलों में किस्मत का साथ आपको मिलेगा और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कुछ खास काम परिवार की मदद से पूरे हो जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं, किस्मत का साथ आपको मिलेगा। नौकरी तथा कारोबार का तनाव दूर हो जाएगा। बकाया काम निपटाने पर ध्यान दे, एकाग्रता से आपको सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ने के नए रास्ते आपको मिलेंगे। लोग आपका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी और किसी विशेष कार्य से आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। उपाय के रूप में यदि आप एक बूंद गंगा जल पिएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। अतिरिक्त समय आप कार्यक्षेत्र में निकाल कर चले। आज आप कामकाज में कुछ ज्यादा लगे रहेंगे। कुछ लोगों के मन में तारीफ पाने की इच्छा भी आप अंदर रहेगी। संयमित रहे, अपनी बात साफ तरीके से रखे। आज आप हर किसी को अपनी बात पर जो है सहमत करवाने में सफल हो जाएंगे और अपने राज की बात किसी के साथ शेयर बिल्कुल न करें। और आपके कामकाज की जांच होगी, स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना चाहिए और आपकी गुप्त बातें या प्लान किसी के सामने उजागर हो सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप भगवान गणेश जी के मंदिर में गुड़ चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कामकाज की वजह से आपको सम्मान मिलने का योग बनेगा। पार्टनर से सहयोग तथा फायदा होगा। ग्रह नक्षत्र सितारों की स्थिति अच्छी है, दिन शुभ रहेगा। हर तरह की हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। खर्च निवेश का फैसला आप खुद कर सकते हैं। घर परिवार और ऑफिस में आपको फायदा होगा। सभी का सपोर्ट आपको मिलेगा। जमीन से संबंधित बिजनेस यदि आप करते हैं तो वहां पर फायदा आपको हो सकता। दोस्तों के कहने पर आप ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे, इससे कोई परेशानी बढ़ने का योग है। जीवन साथी और भाई बहन के साथ किसी कार्यक्रम या फैसला लेने को आप तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। और उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप बेसन से बनी मिठाई चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आप किसी भी तरह अपना काम पूरा करवा ही लेंगे। लोगों से आपको मदद मिलेगी। कहीं से कोई सरप्राइज या उपहार भी आपको मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय होगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े काम समय पर पूरे होने का योग है।
पुराना लोन बाकी है तो चुकाने का मन आप बना सकते हैं। रिश्तों के दायरों में कुछ पुरानी मामले जो है आपके पक्ष में रहेंगे, उससे आपको फायदा होगा। अपनों को मनाने की कोशिश करें, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। ऑफिस में कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। काम के प्रति समर्पण होने से अधिकारी और बड़े लोग आपसे इंप्रेस होंगे। उपाय के रूप में नारियल पानी यदि आप किएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपको अपनी अहमियत का पता चल जाएगा। रोजमर्रा के काम समय पर निपटाने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारियां निभाने वाला दिन है। एक के बाद एक कोई ना कोई काम आपका चलता रहेगा। किसी से नया संबंध आपका बन सकता है, जैसे आपको नई ऊर्जा महसूस होगी। अचानक धन लाभ का योग है। कागजी कामों में फायदा होने की संभावना है। हर मामले को अपने स्तर पर निपटाने का प्रयास करें। दिन अच्छा है। राजनीति से यदि आप जुड़े हैं तो वहां पर आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, वह फायदे का आपके लिए रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में चने की दाल का दान करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। भावनाओं में उतार चढ़ाव और जीवन में बदलाव आप महसूस करेंगे। किसी बात की ज्यादा चिंता न करें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। खरीदारी होगी। पिछले कुछ समय से चला आ रहा झंझट समाप्त हो जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कुछ अच्छी योजनाएं आप बनाएंगे जिससे आने वाले दिनों में आपको ही फायदा होगा। सुस्ती और आलस्य से भावनात्मक बेचैनी आपकी बढ़ सकती है। आपको भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर थोड़ा कम मिल पाएगा। पैसों को लेकर के किसी के साथ कोई अनबन या विवादित स्थिति बन सकती है। पैसों के मामलों में फालतू का जोखिम न ले। घरेलू या बाजार में किए गए खर्चे को लेकर के जीवन साथी से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कोई निर्णय करने में आप परेशानी भी महसूस करेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को गेहूं या गेहूं का आटे का दान कर दें तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पैसों के मामलों में आपका काम नहीं रुकेगा। अचानक धन लाभ का योग बन सकता है। लोगों के मन में क्या चल रहा है यह आप समझ जाएंगे। निजी तथा पारिवारिक जीवन में सफलता और संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। बिजनेस में मेहनत के दम पर सफलता मिलने का योग है। खर्चा करने के मामलों में मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। पारिवारिक मामले आसानी से सुलझ जाएंगे। परेशानियों से निपटने और समाधान के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। अटके हुए काम पूरा होने का योग है और आपके कामों की तारीफ होगी। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के साथ गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कार्यक्षेत्र में एक नई उपलब्धि आपको मिल सकती है। अचानक धन लाभ या किसी योजना से आपको बड़ा फायदा होने की संभावना है। आपके ज्यादातर काम जो अधूरे हैं वह पूरे हो जाएंगे। किए गए फैसले लंबे समय तक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर दिखाएंगे। फायदेमंद लोग आपसे अचानक मिल सकते हैं। छोटी कारोबारी यात्रा होने की संभावना है। किसी भी तरह का निवेश पार्टनर की सलाह लेकर ही करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। दूसरों की निंदा या दूसरों के बारे में कुछ इस प्रकार की बातें बिल्कुल ना बोले जिससे उनका मन दुखी हो जाए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी पीला फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में सुधार होने का योग है। आत्मविश्वास से काम करें। किसी काम की जिद न करें। अपनी आदत सुधारने का प्रयास करें। दिन सामान्य रहेगा। छुटपुट तौर पर बिगड़े हुए रिश्ते और काम आप सुधार सकते हैं। बिगड़े रिश्ते सुधारने और पुराने विवाद सुलझने का योग बन रहा है, यानी पुराने जो भी झंझट चल रहे हैं वो भी आपके समाप्त हो जाएंगे। लोगों के प्रति आपका व्यवहार दोस्ताना रहेगा। आप खुश रहेंगे। पिछले निवेश से भी आपको फायदा होगा। परिवार के कुछ लोगों से आपकी अनबन हो सकती है। किसी संबंध से जो है ज़्यादा ही आपको खटास चल रही है तो संबंध में विच्छेद आने की संभावनाएँ बन सकती है। और उपाय के रूप में भोजन में आटे के अंदर यदि आप एक चुटकी हल्दी डालेंगे और उसकी रोटी खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
आज आप ज्यादा ही संवेदनशील रहेंगे। बिजनेस और कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्राएं हो सकती है। पुरानी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। धन लाभ के उत्तम योग है। ऑफिस या फील्ड में आपकी परेशानी जो अभी तक चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। कागजी कामों को आपको अच्छी प्रकार से चेक करके ही उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। धन लाभ का उत्तम योग बन सकता है। रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक कहीं से प्राप्त होने का उत्तम दिन रहेगा। नया व्यापार, नया रोजगार आपका शुरू हो सकता है। किसी मित्र या पुराने व्यक्ति के माध्यम से कोई काम आपका बनने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप लौंग खाकर के घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी काम के लिए उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों के निर्देशों को मानते हुए आपको काम करना होगा। दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई गोपनीय तथा रहस्यपूर्ण बात आपको पता चल सकती है और काम आपका ज्यादा रहेगा। मेहनत भी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, इससे आपको ही बड़ा फायदा होगा। कोई ना कोई चीज आप सीख सकते हैं। मांगलिक समारोह में या किसी धार्मिक आयोजन में या उसकी तैयारियों में आपको लगना पड़ेगा और उससे आपको फायदा भी होगा। मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। और उपाय के रूप में यदि आप मीठे चावल खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय एवं उनके भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।